नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के बीड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मेरे महाराष्ट्र को क्या मिला, मोदी तो जाके आ गए, महाराष्ट्र को क्या मिला मैं जरा बताना चाहता हूं। औरंगाबाद के निकट सेंद्र ब्रिज के इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण जापान की सहायता से होने वाला है, नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। चीन भी महाराष्ट्र में एक अति आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा, जिसके कारण महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जापान उसमें हमें पूरी मदद करेगा, ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहली बार मुंबई और शांघाई के बीच विकास के लिए करार हुए हैं, समझौता हुआ है, और जिसका लाभ यहां के विकास के लिए होने वाला है। भाइयों बहनों, हम देश में 500 शहर, जिन शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, शहर में जो पानी का हम उपयोग करते हैं, उस पानी को उपयोग किए हुए पानी को शुद्ध किया जाए और गांव को वापस दिया जाए, ताकि किसानों को भी पानी मिले, शहर के लोगों को भी पानी मिले, ये काम हमने उठाया है। भाइयों, मेरा ये बीड जिला बार बार सूखे के तबाही का कारण बन जाता है। यहां पानी चाहिए और मुझे इनके किसानों पे भरोसा है, अगर इनको पानी मिल गया, इनको बिजली मिल गई, तो ये मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखते हैं। भाइयों बहनों, आप देखिए, हर वर्ष महाराष्ट्र में औसत हर वर्ष 3,700 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इतने दिनों तक दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पेट का पानी नहीं हिल रहा था, महाराष्ट्र में किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों के पेट का पानी नहीं हिल रहा था। क्या हमारे किसानों को मरने दिया जाएगा? क्या हमारे किसानों को तबाह होने दिया जाएगा? भाइयों बहनों, स्थिति बदल ली है। ये स्थिति बदलने के लिए मुझे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। मुझे यहां के नौजवानों का जीवन सुरक्षित करना है, उनकी रोजी रोटी सुरक्षित करनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, छोटे छोटे उद्योगों का जाल लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। भाइयों बहनों, लोग कहते हैं महाराष्ट्र की तिजोरी तो खाली है, मोदी जी क्या करोगे? भाइयों बहनों, तिजोरी खाली है मुझे मंजूर है, लेकिन अगर हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे, उतने पैसों में भी महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। भाइयों, महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। ये लूट जो चली है उसको बंद कर देंगे तो भी महाराष्ट्र के सपने पूरे हो जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज मैं आपको भरोसा देने आया हूं। महाराष्ट्र का भाग्य बदलने का आप संकल्प कर लीजिए, मैं कंधे से कंधे मिलाकर के आपके साथ काम करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे दोस्त, गोपीनाथ मुंडे की कमी कभी आपको महसूस नहीं होने दूंगा। भाई, मैं आपको वादा करने आया हूं, पूरे महाराष्ट्र को वादा करने आया हूं। आओ भाइयों, हम सब मिलकर के 15 तारीख को भारी मतदान करें, और मतदान करते समय
गोपीनाथ जी का स्मरण करें, कमल के निशान पर बटन दबाएं और महाराष्ट्र में एक ऐसा कमल खिलाएं जो स्थिर शासन दे, सुशासन दे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए और महाराष्ट्र की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। इसी एक अपेक्षा के साथ इस विशाल जनसागर को मैं नमन करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। मेरी बात मानोगे? मानोगे? पक्का मानोगे? देखिए, आज का युग हाईफाई का युग है। हाईफाई, कोई कहता है वाईफाई, मैं कहता हूं सफाई। किसी को हाईफाई भी चाहिए, किसी को वाईफाई भी चाहिए, लेकिन देश को जरूरत है सफाई चाहिए। एक काम करोगे? करोगे? यहां से जब जाओगे तो आप पानी की बोतल, कागज, एक भी चीज इस मैदान में छोड़ के नहीं जाएंगे। पक्का? सब चीजें उठा करके जाओगे, बराबर साफ करके जाओगे। देखिए, हमने देश में जिम्मेवारी उठानी है, हम ये तय करके जाएं। हम यहां पर फिर भूल मत जाना बातों बातों में दोस्तों के साथ। कोई भी चीज अपने अगल बगल में पड़ी हो तो आप उसको देख लीजिए। और भाइयों बहनों, गोपीनाथ जी का रेलवे का सपना भी तो पूरा करना है। आपको मेरे में भरोसा है ना? आगे बढ़ो। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से आवाज आनी चाहिए, गोपीनाथ मुंडे तक सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदीजींचा आदेश आहे की त्यांना सोडायला जायचं नाही, ग्राउंडवर उभा राहायचं।